कहिए कैसे हैं आप। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ पेरेंट्स को बच्चों से एक और शिकायत भी रहती है कि पढ़ाई लिखाई तो करते ही नहीं है। वो तो है ही है, वो तो परमानेंट शिकायत है। एक शिकायत और रहती है और वह ये कि बच्चे ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते, व्यवस्थित। जब देखो कमरा इतना फैला हुआ है, स्कूल बैग का ख्याल नहीं रखते। स्कूल से आते हैं, यूनिफॉर्म इधर उधर, टॉयज इधर उधर, खिलौने इधर उधर, क्या करें। बहुत ज्यादा बच्चे तंगी करते रहते हैं, कहना नहीं मानते, सुनते नहीं है। कितनी बार बोल दो, कितनी बार टोक दो, कितनी बार पनिशमेंट भी दी है, कोई फायदा नहीं होता। तो उनके लिए मैं एक बात ही कहूंगी कि शांत शांत शांत, ओम शांति शांति शांति। थोड़ा सा आप मेरी बात को सुन लीजिए। और जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, कुछ एक पॉइंट्स हैं, बहुत बहुत थोड़े से पॉइंट्स हैं, पर ये मैंने आजमाए भी हुए हैं। जैसे जो मेरा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उनमें भी अपनाया हुआ है और ये 100% सक्सेसफुल है। एक बार ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है कि आपको भी ये सूट कर जाए, बच्चे आपकी भी बात मानने लग जाए। तो क्या है, ऐसे क्या पॉइंट्स हैं कि बच्चे ऑर्गेनाइज रहे, बिल्कुल अपना कमरा भी ठीक रखे, व्यवस्थित रहे, ढंग से रहे, तो क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है ना, वो ये है कि आपको पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को, मदद करनी नहीं चाहिए, मदद करनी छोड़ देनी चाहिए बच्चों की। जैसे कमरा फैला हुआ है तो गुस्सा भी कर रहे हैं और खुद भी करा रहे हैं। खुद तो भूल जाइए, एक बार, दो बार, 10 दिन, 15 दिन, एक बार जितना वो मैस कर सकते हैं ना, जितना फैला सकते हैं, उनको फैलाने दीजिए। पर गुस्सा करके, पनिशमेंट देके, जैसे मैंने अभी बताया कि उसका तो कोई फायदा नहीं है। पेरेंट्स ये मान के चलिए कि हमने तो मदद करानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करानी। आप उसको टाई नहीं मिल रही, उसको सॉक्स नहीं मिल रही, उसको अपनी पेंसिल नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, आपने मदद नहीं करानी। क्योंकि जहां आपने मदद करानी शुरू की ना, फिर बच्चा केयरलेस हो जाता है, केयर फ्री हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, मम्मी है ना। तो इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देना है। हो सकता है आपको मेरी बात कड़वी लगे कि ये क्या मतलब है, कमरा भी नहीं साफ कराएंगे, फिर तो बिल्कुल ही भूत बंगला हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक बार करने दीजिए उसको। आप उसको बार बार रोके टोके कुछ भी नहीं, आपने उसको समझा दिया कि कमरा साफ रखना है और मैंने मदद नहीं करनी, बस। एक दिन उसको स्कूल के लिए लेट हो जाने दीजिए, एक दिन उसकी कॉपी घर पे भूल जाने दीजिए, एक बार करके देखिए। तो सबसे पहली बात कि बच्चे की मदद नहीं करनी, और दूसरी बात सामान कम कर दीजिए, बच्चों का सामान कम कर दीजिए। आप ये बताइए कि हमारा कमरा, या स्पेशली चलो बच्चों की बात करते हैं, कि बच्चों का कमरा फैलता क्यों है, क्यों फैलता है। इतने सारे खिलौने, कोई सॉफ्ट टॉयज हैं, टेडी बियर्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, ये किस लिए फैलते हैं। ये इसलिए फैलते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सामान कम करना है, टॉयज खिलौने कम करने हैं। कैसे कैसे करने हैं, देखिए। आप जो टूट फूट गए ना, जो बिल्कुल मतलब बेचारे वैसे चले जा रहे हैं, उनको तो बाहर का रास्ता दिखाइए, बाय बाय कर दीजिए उनको कि अब आपकी जरूरत नहीं है। कुछ टॉयज ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कोई गेस्ट आए, वो ले आए बच्चे के लिए, और बच्चा एक बार खेल के बस ठीक है, उसने खेल लिया तो बहुत अच्छी बात है। आप उस खिलौने को, जो बच्चा नहीं खेल रहा, उसको अच्छी तरह से पॉलिथिन में डाल के एक अलग जगह अंदर रख दीजिए, उनको संभाल के। और जो खेल रहा है उसको कम मात्रा में करके ना, मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं हो कि बहुत सारे खिलौने हैं, मतलब 10-15 तो फर्श पे बिखरे रहते हैं, तो 10-15 की जगह 2-4। उससे क्या है कि कमरा जो जो दिखता है ना कि इतने खिलौने फैला रखे हैं, इतने खिलौने, तो खिलौने ही कम होंगे तो फैलेंगे क्या। तो जरूरत इस बात की है कि हम सामान कम कर दें, मतलब जो टॉयज है, खिलौने, टेडी बियर्स, जो भी है उसको कम कर दें। और वैसे आप ये देखेंगे कि जैसे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जब आप उस जो खिलौना जो बच्चा नहीं खेल रहा उसको अलमारी के अंदर से निकालेंगे ना, तो बच्चे को लगेगा ये तो नया है और वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। जहां बहुत सारे, जैसे बर्थडेज पे मान लो बहुत सारे खिलौने आ जाते हैं, तो कुछ एक को छुपा के रख देना चाहिए, बच्चों को ज्यादा याद नहीं रहता, तो बीच बीच में देते रहे, जब बहुत ज्यादा बोर हो रहा है या तंग हो रहा है क्या करूं, तब एक नई चीज निकाल के देंगे ना, उसको अच्छा लगेगा। तो ये चीज ट्राई करके देखिए। अच्छा, एक चीज और, वो है वन इन वन आउट। अब ये क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो बहुत सारे, जैसे मैं खिलौनों की बात कर रही हूं, अगर कि बहुत सारे खिलौने आ गए तो एक तभी आएगा जब दूसरा जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए और बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे तो ये खिलौना चाहिए चाहिए, अब आप ये कहेंगे कि पहले एक निकाल दो, मतलब किसी को दे दो, डोनेट कर दो, दान में दे दो, किसी को भी, आपके किसी फ्रेंड को दे दो या किसी ऐसे को दे दो जिसको जरूरत हो, जिसके पास हो ना, तब आएगा नया। तो उससे क्या है कि देखिए, एक पंथ दो काज हो जाएंगे कि बच्चे को ना देने की भावना भी आएगी
क्योंकि उसको नया तो चाहिए ही चाहिए, वो तो हर हालत में लेगा। तो हो गई ना ये अच्छी बात, एक तरह से इनडायरेक्ट वे में बच्चे ने देना सीखा और उससे घर भी नहीं फैलेगा। ये तो सब चीजें मिक्स होके अच्छा ही हो गया ना, और ये चीजें ना की भी हुई है। अच्छा, ये चीज जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ गेम्स के लिए या टॉयज के लिए किया जाए, कपड़ों के लिए भी कर सकते हैं। अलमारी का हाल देखिए, बच्चों की कितनी सारी ड्रेसेस हैं, कोई हाल है। अच्छा, फिर बढ़ते बच्चे हैं, छोटे बड़े होते रहते हैं कपड़े, तो उनको देते रहिए, वन इन वन आउट, उससे अलमारी भी संभली रहेगी। अलमारी तो अल्टीमेटली आपको ही साफ करनी होती है, बच्चे कितना भी कर ले उतना अच्छा नहीं कर सकते जितना आप कर सकते हैं। तो अगर कपड़े कम होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, मतलब बहुत ज्यादा, जब किसी पार्टी में जाना होता तो समझ नहीं आता ये पहने ये पहने ये पहने ये पहने, इतने सारे कपड़े क्या क्या पहने, फिर ये भी नहीं पहनना ये भी नहीं पहनना ये भी नहीं पहनना वो वाला भी नहीं पहनना, तो उससे क्या है कि जब संभले हुए कपड़े होंगे, दिख रहे होंगे, अलमारी खोलेंगे, हैंगर में टंगे होंगे कि यही 4-5 ड्रेसेस है, बस इसमें से सेलेक्ट करनी है, और कहाँ 15-20। तो वन इन वन आउट ये वाली पद्धति भी आप अपना लेंगे ना तो भी बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा। एक चीज और भी कर सकते हैं हम, और वो ये है कि सामान जो है ना बच्चे की पहुंच में हो। हम क्या है, कई चीजें ऐसी होती है कि हम अपने पास रख लेते हैं कि नहीं जब टाइम आएगा हम देंगे, हमसे मांगना, उससे क्या होता है कि वो बच्चा बार बार मांगता रहेगा या खुद लेने की कोशिश करेगा, उससे हमारी भी सिरदर्दी, फिर वो फैला रहेगा, फिर हम उसको उठा के वापस अपनी जगह पे रखेंगे। तो बेहतर है कि नीचे की शेल्फ हो, दो तीन कुछ ऐसी शेल्फ बना रखी हो नीचे की बेड के आसपास की, जहां बच्चे की पहुंच भी हो, अपने आप निकाला, जैसे ड्रॉस से अपने आप निकाला और अपने आप रख दिया, या 3-4 बॉक्स बना दिए, जैसे मान लो एक कलरिंग का बॉक्स है कि इसमें सिर्फ आपके कलर्स हैं, उस पर स्टिकर लगा दिया प्यारा सा, और एक सिर्फ बुक्स है उस पर प्यारा सा स्टिकर लगा दिया कि इसमें सिर्फ बुक्स हैं, मतलब अलग अलग सेक्शंस बना दिए, पर ऐसी जगह पे कि बच्चे की पहुंच में हो, बच्चों की पहुंच में हो। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए बच्चे ने खेला है ना, और उसके बाद वो आपकी वेट करेगा कि आप ही रखोगे, वो तो खेल के चला गया, नीचे तो पड़ा हुआ है, अगर वो उसकी पहुंच में होगा तो ये उसकी ड्यूटी होगी कि उसको रखना है। ये बात है बस कि जो टॉयज है, कोशिश कीजिए कि बच्चों की पहुंच में हो, कि बच्चा खेले और उसको वापस अपनी जगह पे रख दे। अच्छा, एक बात और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और जो कि सभी पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी लग रही है, कि ना एक मंथली कैलेंडर, जैसे होता है ना कि हम एक प्लानर बना लें और उसमें 1 से 30 तक 31 तक डेट्स लिख दें, और मतलब उसमें और चीज़ों की बजाय ना हम 5-6 चीज़ें लिख दें अपनी तरफ से, हम लिख दें क्या क्या। जैसे मान लीजिए सुबह मैं समय पे उठा, पहले मैं आपको बता देती हूँ, सुबह मैं समय पे उठा, मैंने ब्रश किया, मतलब टाइम से ब्रश किया, ये सब कुछ चीज़ें ना सब कुछ टाइम से चल रहा है, होमवर्क किया रात को, फिर ब्रश किया, अपना स्कूल बैग तैयार करके रखा, और एक ऊपर एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि टिफिन खाया स्कूल में, मतलब जैसे 5-7 पॉइंट्स जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, उसमें आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने वो प्लानर एक महीने के हिसाब से, जैसे मान लीजिए जनवरी का महीना है या फरवरी का है, तो वो प्लानर आपने दीवार पर चिपका देना, और उसमें बच्चे ने क्या करना है, उसमें बच्चे ने जहां जहां आपने लिखा है ना, जैसे मैं सुबह टाइम से उठा, उस पर टिक मार्क करना है, सिर्फ टिक मार्क, सिर्फ टिक मार्क, और जैसे मैंने टिफिन खाया टिक मार्क, जैसे मान लीजिए बच्चा टिफिन खा के नहीं आया तो वो क्रॉस करेगा उसको कि उसने खाना नहीं खाया। ऐसे ही जो 5-7 सेक्शंस है ना, उस पर बच्चे ने और कुछ नहीं करना, उसने सिर्फ या तो यस या तो टिक मार्क करना या उस पर क्रॉस करना है। उसमें क्या होगा कि जब पूरा महीना बीत जाएगा तो नीचे आप अपने रिमार्क्स देंगे, और उस हिसाब से जैसे बच्चे के मान लो 95% से अबव आ रहे हैं इसमें, जो आपने जो कैटेगरी बनाई है इसमें ओवरऑल, तो बच्चे को आप एक प्राइज देंगे। देखिए, हम अगर बच्चा हमारे कहे के अनुसार चल रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो फिर तो हमें भी देना बनता है ना उसको गिफ्ट कि हाँ भाई आपने अच्छा किया, अगर अच्छा काम किया तो शाबाशी, जब हम कोई बच्चा गलत काम करता है उसको डांट फटकारते हैं, तो अच्छा काम करता है तो हमें उसकी पीठ भी तो थपथपानी चाहिए ना, उसको एनकरेज भी तो करना चाहिए, उसको मोटिवेट भी तो करना चाहिए ना। तो उसके जो नीचे रिमार्क्स आप देंगे ना, उसमें पूरे महीने का एक इकट्ठा हो जाएगा कि पूरे महीने में इसने इसकी इम्प्रूवमेंट थी, 90% इसने अच्छा किया, और जहाँ पे कम किया वहाँ पे उसको बोलिए कि इम्प्रूव करे। जैसे मान लीजिए टिफिन ऑलमोस्ट हर रोज भरा हुआ ही आता है, खाना ही नहीं खाता, तो बच्चे को उसके लिए एनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि खाना तो खाना पड़ेगा। मतलब कहने की बात है कि हम ना अलग अलग तरीके से बच्चे को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, उससे क्या है कि बच्चा सुबह अपना टाइम से भी उठेगा और फिर वो ब्रश भी करेगा टाइम से। ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती हैं हमारी डेली लाइफ के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए।
तो बच्चों को अगर यही आदत, हम इसी बहाने आदत भी डाल देंगे कि ऑर्गेनाइज भी रहना है और हमारी आदत भी अच्छी हो, तो दोनों ही फायदा है ना इसमें। तो कैलेंडर का ये जो प्रयोग था ना, ये अच्छा रहा था, सफल रहा था। मतलब कई लेडीज ने 10-10 दिन का भी बना लिया था, महीने के बनाने की बजाय 10-10 दिन का करके, फिर उनको टैली करके 1 महीने का करके, और फिर उसका रिजल्ट निकाल दिया था। तो अपने हिसाब से जैसा हमें सूट करता है वैसा कर सकते हैं, पर ये इंटरेस्टिंग भी रहता है और बच्चे को अच्छा भी लगता है, क्योंकि उसकी ज़्यादा मेहनत तो है नहीं और वो सच्चाई सामने आ जाती है। और ये काम सोने से पहले करना है बच्चे को, मतलब जैसे पूरे दिन में सुबह, हाँ टाइम से भी उठ गया था, हाँ पर रात को मैंने ब्रश नहीं किया, तो हो सकता है उसने नहीं किया, उसको याद आ जाए सोने से पहले, तो वो फटाफट कराए। और एक चीज और भी हम कर सकते हैं कि बजाय रोज बच्चों को कहने के कमरा साफ करो, कमरा साफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने नहीं करना, मान के चलिए कि वो इतने अच्छे नहीं है, मतलब इतना नहीं है डिसिप्लिन कि भाई हर रोज कमरा साफ कर रहे हैं। तंग तो करते ही हैं, शरारत भी करते हैं, और हर रोज करना बस का भी नहीं है। तो हम एक डे फिक्स कर दें, जैसे मान लीजिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए, जैसे मान लीजिए कि संडे को आपने अपना बैग तो खाली करना ही करना है, स्कूल बैग, ताकि एक बार उसकी सफाई हो जाए। अच्छा एक दिन ऐसा है कि इस दिन आपने सैटरडे को, मान लीजिए सैटरडे को आपने अपनी अलमारी ठीक करनी है, अपने टॉयज वाला सेक्शन ठीक करना है। मतलब अगर हम हर रोज कहेंगे ना, जैसे मंडे को आपने अपनी टेबल साफ करनी करनी है, और कुछ काम जो डेली करने हैं, डेली में क्या करने है? ये भी आप ना टांग सकते हैं, एक स्लिप बना के अच्छी सी, और उसको टांग सकते हैं कि कपड़े हर रोज स्कूल से आने के बाद वॉशिंग मशीन में या एक बाल्टी है उसमें डालने डालने हैं, सॉक्स अपनी जगह पे रखनी रखनी है। ये कुछ एक चीजें तो बहुत जरूरी है जो कि आपको रोज करनी है, पर जैसे अलमारी का 1 महीने का, 1 वीक का रख दीजिए, मतलब जैसे कि हर संडे को आपने अपनी अलमारी साफ करनी है, मंडे को आपने अपनी टेबल साफ करनी है, अलग अलग दिन बांट दीजिए। उससे ना बच्चे का इंटरेस्ट भी रहता है, फिर उसको लगता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा फैला हुआ है, मैंने तो कल करनी ही है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और बच्चे के अगर टेबल पे या उसके बेड के पास अलार्म क्लॉक रखी होगी ना, तो उसको उठने की भी आदत रहेगी। ये भी चीज़ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि एक तो होता है मदर उठा रही है, एक होता है कि वो खुद उठ रहा है, तो उससे ना उसमें फीलिंग आती है। फिर हम बचपन से ही आदत डालेंगे ना, आपने उठना है, आपने खुद उठना है, अलार्म को खुद ही बंद करना है, तो एक बच्चे में फीलिंग आती है कि हाँ मैंने करना है। नहीं तो पेरेंट्स ही उठाते रह जाते, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, और बच्चे उठते नहीं, उठ रहा हूँ उठ रहा हूँ, कभी इधर करवट उधर करवट, फिर लगता है कि स्कूल बस ना निकल जाए, लेट ना हो जाए, फिर डर लगना शुरू हो जाता है। इसलिए बच्चे को आदत डालें कि आपने खुद ही करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वैसे मेरे को सबसे पहले बतानी चाहिए थी, पर मुझे लगा कि शायद आपको बुरा ना लगे, वही जैसे मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि क्या चीज़ की जरूरत है सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत है, सबसे ज़्यादा जरूरत है हमें पेरेंट्स को खुद ऑर्गेनाइज रहने की। अगर हम ही नहीं रहेंगे, हम ही कमरा फैलाए रखेंगे, तो बच्चे कैसे समझेंगे? हम किसी फंक्शन से आए हैं, पार्टी से आए हैं, कपड़े उधर, साड़ी उधर, पैंट उधर, जूते उधर, कितना बुरा हाल होता है, बिल्कुल मैस बना देते हैं हम खुद पेरेंट्स। तो बच्चे तो यही देख रहे हैं ना, बच्चे जो देखते हैं वो करते ही करते हैं। 80% बच्चे ऐसे ही होते हैं जो पेरेंट्स के नक्शे कदम पे चलते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद ऑर्गेनाइज रहें, खुद व्यवस्थित रहें, ये बहुत जरूरी है। खुद का व्यवस्थित रहना, हमें एग्जाम्पल बनना है, हमें रोल मॉडल बनना है कि मेरी मम्मी, आप भी तो कह सकते हैं देखो मैं भी तो कमरा साफ करती हूँ, मैं भी तो इतना साफ रखती हूँ, तो बच्चा कहेगा आप कहाँ रखती हो, आप अपना कमरा देख लो कितना फैला हुआ है, तो क्या रह जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद भी ऑर्गेनाइज रहें। तो ये है थोड़े से पॉइंट्स, ये मैंने आजमाए भी हुए हैं और ये पूरी तरह से सफल भी हुए हैं। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि बच्चे को हम अगर ऑर्गेनाइज रखें तो किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या अगर आप रखते हैं तो आप कैसे करते हैं, जरूर बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको भी शेयर कर सकते हैं। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो बेल का बटन है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास मैसेज या नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, बाय।